नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेचू पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे शब्द विचार पे, मतलब शब्द विचार हमारी आज की टॉपिक है, उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पानी, स्वर्ण, विद्यालय या लंबोदर? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबोदर। ठीक है, लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। अब योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने अर्थ को त्याग कर, मतलब अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं योगरूढ़ शब्द। ठीक है, दशानन, लंबोदर, पंचानन, ये सब। अगला प्रश्न देखिए, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? ऑप्शन है अरबी, जापानी, फारसी या हिंदी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी। रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, संकर, योगरूढ़ या विदेशज? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक। ठीक है, अब पाठशाला यौगिक शब्द कैसे है? तो देखिए, यौगिक वे शब्द होते हैं जिनका खंड सार्थक होता है, जैसे पाठशाला, विद्यालय। ठीक है, पाठधनशाला, विद्याधन आलय। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में संकर शब्द का चयन कीजिए, योगदान, आदमी, दिनकर या रेल यात्रा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल यात्रा। ठीक है, मतलब संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशज, ठीक है, हिंदी के शब्द और विदेशज शब्द से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेल हो गया आपका विदेशज और यात्रा हो गया आपका हिंदी का शब्द। ठीक है, रेल यात्रा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए, चतुरानन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, योगरूढ़, यौगिक या संकर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योगरूढ़। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया कि योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ त्याग कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसलिए चतुरानन, चार हैं आनंद जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? ठीक है, फारसी, अरबी, संस्कृत या हिंदी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, कबूतर जो है वो फारसी भाषा का मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में देशज शब्द नहीं है, खिड़की, कलाई, चरखा या तेंदुआ। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरखा। ठीक है, चरखा जो है वो देशज शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भाषा के शब्द का चयन कीजिए, रेल, पिस्तौल, आदमी या चेहरा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिस्तौल, जो है वो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में शंकर शब्द का चयन कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया शंकर शब्द जो होते हैं वो विदेशज एवं हिंदी भाषा के शब्द से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है बहादुर, स्टेशन, मास्टर या परीक्षा हॉल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा हॉल। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम रूप है मृत्तिका, मृक्षण, मंडूक या मक्षिका। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मृत्तिका, जो है वो मिट्टी का तत्सम रूप है। निम्न में सही सुमेलित है, धावन, धान, अद्य, आंसू, कोटि, कोयल या अग्निष्ठिका, अंगीठी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निष्ठिका, मतलब अंगीठी, मतलब अंगीठी का यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी का तत्सम रूप है हरदी, हरिद्रा, हाद्रिका या हल्दिका। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा हल्दी का तत्सम रूप है। क्लियर है,
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है, कार्य, ही, आम या आग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य, ठीक है। कार्य जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि कार्य एक तत्सम शब्द है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पलंग का तत्सम रूप है प्लंग, प्लावंग, पटल या पर्यंग। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यंग, जो है वो आपका पलंग का तत्सम रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, घोटक का तद्भव रूप है हय, अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जो है वो घोटक का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न देखिए, मोर का तत्सम रूप है मयूर, मुकुट, महान या मनुष्य। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुट, मोर का तत्सम रूप है मुकुट। अगला प्रश्न है, पर्ण का तद्भव शब्द है पत्र, पात्र, पत्रा या पन्ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र, जो है वो आपका पर्ण का तद्भव शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द नहीं है, छिद्र, ही, करपट या शब्द। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही, ठीक है, ही एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है हृदय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षोट का तद्भव रूप है अटारी, आठ, आज या अखरोट। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखरोट, अक्षोट का तद्भव रूप हो गया आपका अखरोट। इसी के साथ हमारे शब्द विचार की टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं, और इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपको कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बेचू पाठशाला। धन्यवाद।